सो फाइनली जयपुर जाते हैं हम फ्रेंड की शादी में, और वहीं से थोड़ा घूमना होगा हमारा, और ऑफिस तो वर्क फ्रॉम होम है ही, तो डेफिनेटली काफ़ी मज़ा आने वाला है। और ये काफ़ी टाइम बाद हमारी एक ट्रिप है। वेलकम टू द वीडियो कॉल। काफ़ी टाइम बाद पहली ट्रिप है हमारी साथ में। कॉलेज में कौन सी ट्रिप पे गए हम? मतलब पहले उसमें गए थे ना बीबीए में। तो मैं तो नहीं थी ना, मेरे साथ तो तेरी पहली है। इनके साथ पहली है मेरी ट्रिप जयपुर की, और मैं तो लोकल रहा हूँ, मेरा बचपन जयपुर गुजरा है, तो डेफिनेटली मेरे लिए एक पुरानी याद वाला फेज रहेगा, बट इनके लिए काफ़ी रोमांचक जर्नी होने वाली है। नहीं, मैं भी पहले जयपुर जा रखी हूँ, इनके लिए काफ़ी रोमांचक होने वाली है। उधर ज़्यादा अच्छी लाइफ है ना? नहीं, तुम्हारे ऊपर भी आ रही है, तुम्हारे ऊपर भी आ रही है। और ये हमारी बस है, बड़ी मस्त बस है। ये हमारा रूम है छोटा सा बस के अंदर। प्रेज से हेलो टू माय व्लॉग। तुम भी अच्छे आ रहे हो, गोरे गोरे। मैं गोरी हूँ। अरे मतलब लाइटिंग, बाबा रेसिज्म नहीं फैला रही हूँ, मैं लाइटिंग की बात कर रही हूँ। नहीं नहीं। हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज फाइनली हमारी ड्रीम ट्रिप पूरी हो रही है। फाइनली हम जयपुर जा रहे हैं धक्के खाने के बाद। हाँ, मतलब डेस्टिनेशन ड्रीम वाली नहीं थी, बट ट्रिप जरूर ड्रीम वाली थी कि एक बार फ्रेंड्स की ट्रिप करेंगे। सबसे पहले कि मेरा सर घूमे। हाँ, हमारे साथ एक है जिनका सर घूमता है, पता नहीं, देखेंगे बाद में देखेंगे। बहुत गर्मी हो रही है अभी तो मुझे, बट आई एम सुपर एक्साइटेड। फाइनली हम जयपुर जा रहे हैं। जेडी देखो पूरी तैयारी से बैठा है, कह रहा है आज तो अपन जयपुर जाएंगे। हमारी थर्ड कैंडिडेट बंदर की तरह लटकी हुई है बीच में। क्या हुआ, आपको अच्छा नहीं लग रहा अपनी सीट में? नहीं, मुझे शर्म आ रही है। कल मेरा बर्थडे है। हाँ। बस में बर्थडे मनेगा लड़की का। आज शर्म आ रही है। आज से ही मुझे शर्म आ रही है। कितने साल के हो जाओगे? 22। ओह माय गॉड। अब हम खाना खा रहे हैं जो कि मेरी प्लेट में आया नहीं। दे दे भाई, इतनी सी मिलती है एक रोटी में। भाई ये तो ठीक है, ये क्या है? ये तो मिल लेनी पड़ेगी सुमनी। हवा के साथ एक रोटी मिलेगी। ये तो आ गई है। अरे देखना सब्जी, देखना मेरी। ये उस दिन की आना रही है। कौन सा वाला दिन? और जो हवा में खा रहे थे हम, इतना ही था उसमें भी। आप रो क्यों रहे हो? चावल तो रो रही है वो। क्या कह रही, क्या कह रहे हैं? मैं खा नहीं पाऊंगी। अरे उसको देख। चलो भाई गाना गाओ। मैंने सारा खाना के लिए खत्म किया है, ये मुआशे वेस्ट करने वाले थे। चलो खाना किधर है? तो खत्म किया है ना? ऐसे झूठ तो कोई भी बोल सकता है। विश्वास नहीं हो रहे, बिल भी कैसे जगह? विश्वास नहीं हो रहे तो मैंने खा दिया। हाँ चलो, पीली प्लेट पे पीला केक। हैप्पी बर्थडे सुरभी। चलो गाइस, ओके यार, मेरे डार्क सर्कल्स दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। और दी कैसा लगा? और हम सारे वाटर लग गया। नहीं मैं तो हूँ, मैं क्यों लग रही हूँ? हमने खाना खा लिया, हम बर्थडे केक काट रहे हैं। काटो यार, आगे करो ना प्लेट को। ये फोटो दूर से आएगी, नजदीक करके खींचो फोटो। ये तो सदमे में क्यों है? जेडी इतनी नहीं पीते सिगरेट, पता है अच्छा नहीं होता हेल्थ के लिए। लाइटर लेके घूमता रहता है जहाँ देखो। वन टू थ्री चल, दो और है ब्रो, तीन और है। अरे वो हरे पे हरा नहीं दिखाना। ये वाला भी तो पिंक कलर का, पिंक तो दिखना चाहिए था। दो गांडे छोड़ दीजिए। तीन छोड़ी थी बाबा। हाँ वो भी छोड़ रखी है।
बर्थडे गर्ल खुद जलाएगी बेचारी। ऐसा पता चलता है हमारी लड़की सोबर है। पिंक वाला भी थी, पिंक वाला भी डीप रो है क्या है वो लाइटर जलाने में। चलो अरे काट दे बहन। 1 2 3 हाईवे तो ये वो रहा देखो बारह बजे हम खाना खा के अपने कोजी से बिस्तर में वापस आ गए। अब हम सोएंगे, मिलते हैं आपको कल सुबह जयपुर में। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग। फाइनली जयपुर पहुंचने वाले हैं, आधा घंटा रह गया है। एंड प्रतिमा ने यहाँ पे पूरा घर बसा रखा है, मैं आपको दिखाती हूँ। दो दो ये तकिए, दो दो गुड मॉर्निंग, ये हमारा कंबल, वो हमारे बैग्स, बहुत सामान है। अभी हमको सामान भी बांधना है। अरे तो ये बस नहीं हो गया, होटल रूम हो गया। क्यों प्रतिभा? अभी हम उतरेंगे, आधे घंटे में पहुंचाती है जैसी बस, फिर पहुंचते हैं अपने गंतव्य पे। जयपुर एक अरसे बाद, फीलिंग सो गुड। और मैं सामान अकेले समेट रही हूँ। प्रतिभा की विकेट डाउन हो गई है। एनीवेज एंजॉय नजारे। पहुंच गए जयपुर गाइस, एक्साइटमेंट दिखाओ, हम जयपुर पहुंच गए। अरे कोई खुशी नहीं है किसी के सर में। ये हमारी बस थी और ये हम हैं। अबे तेरा वो शाइन मार रहा है पता, धूप में धोने की जरूरत नहीं है। कलरफुल लग रहा ना। वेटिंग फॉर चेक इन। कितनी मस्त आ रही है फोटो। ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी। She comes. We have finally checked in. This is our place. ये beds हमारे हैं, ये हमारा है, sorry नीचे वाला हमारा है और ये हमारा है। This is my section. अब मेरा office चल रहा है तो laptop just open किया है। This is the entire setup. And I'm super excited. Finally dream trip coming true. कैसा feel कर रहे हैं आप JD? All good. मेरे को सीरियसली नहीं लग रहा था ये ट्रिप कभी सक्सेसफुल होगी, बट फाइनली अब पहुंच गए। अब चेक इन हो गया ना, अब मेरे को तसल्ली है कि हम जयपुर में हैं। ब्रेकफास्ट मेरे को खाना है, इसको फोटो खींचनी है। क्या कह रहे हैं, मैं तैयार हो गई हूँ, मेरी वीडियो बनाओ। तो गाइस हम निकल पड़े हैं पहले दिन के डेस्टिनेशन में, मेट्रो स्टेशन जाएंगे, वहां से डिसाइड करेंगे किधर जाना है। अभी हमको कुछ नहीं पता, आप वहां का व्यू देखो। सो फाइनली हमने डिसाइड करा, हम सबसे पहले जाएंगे हवा महल और हम आगे मेट्रो स्टेशन। बड़ी चौपर। हाँ किराया हमको लगा है 12 रुपए पर पर्सन। मेट्रो इज द बेस्ट ऑप्शन अगर सस्ते में घूमना है तो। आंधी लेट कौन सा महल? हवा महल। आपका
हवा महल जाना है आपको आना है यहाँ पे बड़ी चौपर, बड़ी चौपर से पास में ही है। और हम लोग इतने महान है, बताओ प्रतिभा हमने क्या किया अभी अभी? हमने अपने दो साथियों को छोड़ दिया। पीछे वाले स्टेशन में हमारे दो बंदे रह गए और ये मेट्रो का ना दरवाजा बंद हो गया। अब हम वेट कर रहे हैं नेक्स्ट मेट्रो आएगी, वो लोग आएंगे उसके बाद हम जाएंगे। एनीवेज इधर से बड़ी चौपर से आपको तीन डेस्टिनेशन मिल जाएंगे, सिटी पैलेस मिल जाएगा, हवा महल मिल जाएगा। और तीसरी डेस्टिनेशन का नाम क्या है? सिटी पैलेस, हवा महल, जंतर मंतर, तीनों जगह आपको यहीं से मिल जाएंगे वॉकिंग डिस्टेंस पे। और सिर्फ 12 rupees लगा था हमारा मेट्रो का टिकट, तो वर्थ इट है, मतलब बजट ट्रिप का बेस्ट आइडिया। ऑल्सो जिस जगह पे हम रुके हैं ना वो भी काफ़ी चीप है, हमको 400 पर डे पड़ रहा है, मतलब अफोर्डेबल बोलूँगी, इट्स नॉट चीप, इट्स अफोर्डेबल। एंड 400 पर डे पे हम आराम से रुके हुए हैं, 4 दिन का हमारा स्टे है, टोटल 2000 समथिंग आ रहा है पूरे चारों दिन प्लस टैक्सेस मिला के। एंड जयपुर आने के ऑप्शंस भी आपके पास मल्टीपल हैं। हम लोग बस से आए थे, स्लीपर बस की टिकट हमको ओनली 1000 पर हेड पड़ी थी। आप चाहे तो ट्रेन से आ सकते हैं, ट्रेन और चीप है। हमने देहरादून टू जयपुर किया था तो हमको पड़ा था 1000 पर हेड, एंड 290 का ट्रेन का टिकट था, बट अवेलेबल नहीं था तो हम लोगों ने स्लीपर बस प्रेफर किया। एंड आराम से हम आ गए, हमें थकान भी नहीं हुई और आते ही फ्रेश फ्रेश होकर हम दोबारा घूमने निकल गए। स्टेशन के बाहर का नज़ारा, पिंक सिटी में पिंक पिंक, हम मेरे को तो बोलते हुए भी दर्द हो रहा मेरे मुंह के अंदर, पिंक सिटी में है, मेरे बाल हटाना था। अच्छा जब कभी टाइटल सुनेंगे ना हवाई का, वो 100% जयपुर के राजा होंगे, सारे राजा के सामने बैठे हवाई होता गया, मतलब सवा सवा से सवाई हो रहा है। उन्होंने दो पैलेस यहाँ बनाए, हवा में जो चल रहे हैं क्या होता था क्वार्टर है, इसका मतलब राजा पैलेस में है और वो इंडियन प्लान नहीं है, जयपुर का प्लान है। शॉर्ट ब्रेक, हाँ वो क्या है, वो भयंकर मधुमक्खी का छत्ता, शहद है ना, निकाल के देखो जरा, शहद है ना उस पे की। कहते हैं स्मॉल सन डायल, ठीक है, ये 12 घंटे काम करती है, सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक। नाउ वी आर एट जंतर मंतर, और 12 बजे के बाद ठीक है, बीच में जो लाइन दिख रही है वो बॉल दिख रही है आपको, स्टेयर्स वाली, ये कोई ऑर्डिनरी बॉल नहीं है, ये मेरिडियन लाइन है। मैंने एक बार पूछा 1 घंटे को कितने भागों में डिवाइड करा, 4 में 15 20 45 60 15 मिनट के 3 भागों में 5 10 15 5 5 भाग में 1 2 3 4 5 और 6 भाग में 1 2 3 4 5 6 कितना होगा मैं समझाता हूँ। देखिए इधर आइए, मान लीजिए ये जो लाइन है इक्वेटर लाइन है, ठीक है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, डे 1 जयपुर दर्शन फिनिश आफ्टर हवा महल एंड जंतर मंतर, बस इतना ही घूमे जो क्यों दी, थोड़ा सा सोडा पियेंगे, शेल करेंगे और फिर जाएंगे वापस जयदीप। उसके बाद